तो फाइनली दोस्तों साइलेंस 2 मूवी जो है मनोज वाजपेयी सर की ये मूवी रिलीज हो चुकी है G5 पे। और मैंने इस मूवी को देखा तो मैं अपने अंदाज से इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ, मूवी की स्टोरी कैसी है और ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री मूवी होने वाली है जी गाइस, यानी कि ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसके अंदर मनोज वाजपेयी सर हैं, वो एक एसपी होते हैं इस मूवी के अंदर, जिनका कि खुद का एक स्पेशल यूनिट होता है। फिर देखेंगे कि दो लड़कियों का मर्डर होता है, पहले एक लड़की का मर्डर होता है, उसके बाद कुछ उस तरह से उस केस को दिखलाया जाता है या फिर जो कातिल होता है उस तरह से उसको पेश करता है जैसे लगता है कि वो लड़की जो है वो सस्पेक्ट नहीं है, सस्पेक्ट कोई और था, ये अनजाने में मारी जा चुकी है। लेकिन जब मनोज वाजपेयी सर जांच करते हैं अच्छी तरीकों से, तब पता चलता है कि असल में इस लड़की का मर्डर हुआ है, बाकी ये लोग तो ऐसे ही थे, लोगों को ऐसे ही मार दिया है जो भी कातिल है। उसके बाद मनोज वाजपेयी सर और उनकी टीम जो है पता लगाने लगती है कि आखिर कौन है कातिल, कैसे मर्डर हुआ, क्या मतलब पता लगाने लगते हैं। तो उसके बाद एक लड़की तक पहुंचते हैं जो कि उसी धंधे में काम कर रही होती है, जो पहली लड़की का मर्डर होता है जिस धंधे में काम कर रही होती है। तो फिर जैसे ही मिलते हैं उसके कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उसकी भी मर्डर हो चुकी है, यानी वो भी मर जाती है, कोई उसे भी मार देता है। अब उसके बाद दो लोगों का मर्डर हो चुका है, यानी मूवी के अंदर में दो लड़कियों का मर्डर हो जाता है। तो फिर देखेंगे किस तरह से आखिर कातिल का पता चलता है और कैसे ये मतलब कातिल पकड़ा जाता है। और मूवी के अंदर ये भी देखेंगे कि कम उम्र के लड़कियों के साथ किस तरह से गलत काम करवाया जाता है, जबरदस्ती उन्हें किस तरह से गांव से शहर भेजा जाता है, किस तरह से उनका माइंड सेट किया जाता है, या फिर लड़कियों को बहला फुसला कर किस तरह से उन्हें शहर में गलत काम करवाया जाता है। तो मूवी एक तरह से बहुत ही अच्छी है जी हाँ गाइस, तो इसीलिए इस मूवी को जरूर देखिए, जाइए इस मूवी को जाकर देखिए, G5 पे ये मूवी अवेलेबल है। मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपना अंदाज, ताकि अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए फटाफट जाकर के देखिए, ये मूवी आपको जरा सा भी बोर नहीं करेगी, आपको और भी मजा आएगा इस मूवी के अंदर। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ हमारे फिल्मी वाला क्रेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो अपना छोटा भी समझ करके माफ कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय गाइज एंड टेक केयर।